नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ZEAT DX सिरप का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, ZEAT DX सिरप को कैसे लेना चाहिए और ZEAT DX सिरप की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि ZEAT DX सिरप को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। ZEAT DX सिरप का उपयोग सूखी खांसी को ठीक करने के लिए और गले में खराश को ठीक करने के लिए ZEAT DX सिरप का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा ZEAT DX सिरप सर्दी, जुखाम, नजला और एलर्जी के लक्षणों से भी राहत दिलाती है। सर्दी, जुखाम, नजला और एलर्जी के लक्षण जैसे नाक से पानी बहना, आंखों से पानी आना, आंख, नाक या गले में खुजली होना, छींक आना और नाक का बंद होना आदि लक्षण सर्दी, जुखाम, नजला और एलर्जी होने पर हो सकते हैं। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में ZEAT DX सिरप की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में ZEAT DX सिरप की वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे मुंह में सूखापन होना, सिरदर्द होना, चक्कर आना, शरीर में थकान व सुस्ती होना, नींद अधिक आना, कब्ज होना या दस्त होना, भूख कम लगना, छाती में जलन होना, उल्टी आना और उल्टी आने का मन होना आदि साइड इफेक्ट्स ZEAT DX सिरप की वजह से हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि ZEAT DX सिरप को कैसे लेना रेकमेंडेड होता है। ZEAT DX सिरप को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। आमतौर पर 2 साल से लेकर 6 साल के बच्चों को डॉक्टर 1 मिलीलीटर ZEAT DX सिरप को दिन में 2 से लेकर 3 बार लेने की सलाह देते हैं और 6 साल से लेकर 12 साल के बच्चों को डॉक्टर 2.5 मिलीलीटर ZEAT DX सिरप को दिन में 2 से लेकर 3 बार लेने की सलाह देते हैं और 12 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों को डॉक्टर 5 मिलीलीटर ZEAT DX सिरप को दिन में 2 से लेकर 3 बार लेने की सलाह दे सकते हैं और 18 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों को डॉक्टर 10 मिलीलीटर ZEAT DX सिरप को दिन में 2 बार लेने की सलाह दे सकते हैं। ZEAT DX सिरप की डोज, उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको ZEAT DX सिरप को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि ZEAT DX सिरप को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। 2 साल से कम उम्र के बच्चों को ZEAT DX सिरप को डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं देना चाहिए। ZEAT DX सिरप को लेने के बाद ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए और ऐसी मशीनों पर काम भी नहीं करना चाहिए जिन पर काम करने के लिए अधिक मानसिक सतर्कता की आवश्यकता होती है, क्योंकि ZEAT DX सिरप को लेने के बाद कुछ व्यक्तियों को नींद अधिक आ सकती है। ZEAT DX सिरप के साथ शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ZEAT DX सिरप के साथ शराब का सेवन करने की वजह से साइड इफेक्ट्स होने का जोखिम अधिक हो जाता है और नींद आने की समस्या बहुत ज्यादा गंभीर हो सकती है। ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा होने पर, कोई दिल से संबंधित बीमारी होने पर, अस्थमा होने पर, हाइपरथायरॉयडिज्म होने पर, डायबिटीज कंट्रोल में न होने पर और पुरुषों में प्रोस्टेट का साइज ज्यादा होने पर ZEAT DX सिरप को बहुत ही सावधानी से दिया जाता है, इसलिए इन कंडीशंस में डॉक्टर की सलाह के बिना ZEAT DX सिरप को नहीं लेना चाहिए। लगातार ज्यादा लंबे समय तक ZEAT DX सिरप को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है। अगर आपको ZEAT DX सिरप को लेते हुए 1 सप्ताह से भी अधिक का समय हो चुका है और आपकी खांसी अभी तक ठीक नहीं हुई है तो आपको डॉक्टर से दोबारा परामर्श लेना चाहिए ताकि आपका डॉक्टर खांसी होने के कारण का पता करने के लिए दोबारा से जांच करवा सके। अगर किसी व्यक्ति को ZEAT DX सिरप या इसके किसी भी इंग्रेडिएंट से एलर्जी है तो ऐसे व्यक्तियों को ZEAT DX सिरप का सेवन नहीं करना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को भी बताना चाहिए। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए ZEAT DX सिरप का सेवन करना सुरक्षित व रिकमेंडेड नहीं है। ZEAT DX सिरप माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे को नुकसान पहुँचा सकती है और स्तनपान करा रही महिलाओं में ZEAT DX सिरप माँ के दूध के जरिए बच्चे तक पहुँच सकती है और दूध पीने वाले बच्चे में
साइड इफेक्ट्स पैदा कर सकती है। इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को जीट डीएक्स सिरप को डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका जीट डीएक्स सिरप से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।